सखी नारद जी के गौरा का हो बिगड़ली बरवा खोजी ले बौरा है सखी सब बरियाविले हाथी से घोड़ा जोटेला नगर जवार ए सखी बसाहा चढ़ल अले शिव ससुररिया सर प छोड़ेला फुफकार ए सखी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। पहला कि आप लोगों ने पूछा है कि दीदी मंगलवार का दिन पड़ रहा है, जब से सावन शुरू हो रहा है, हम जो सावन से पहले कौन कौन सी चीजें हमें खरीद लेनी चाहिए, ठीक है, वो लड़कियां हो या वो सुहागिन महिलाएं हो, तो कब खरीदे और कब पहने, क्योंकि अगर सावन के दिन पहनते हैं तो मंगलवार पड़ रहा है जब से शुरू हो रहा है। दूसरी चीज क्या है कि हमें किसी भी मनोकामना को चाह रहे हैं कि मतलब जल्द से जल्द शीघ्र ही हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाती हो, विवाह से संबंधित हो, मनचाहा वर के लिए हो, या पति से संबंधित किसी प्रकार का कष्ट रोग अगर आपके मन में दुख दुविधा चल रहा है, संकट चल रहा है, तो उससे निवारण के लिए हम शिव जी से कैसे प्रार्थना करें, कैसे संकल्प लें, सावन से पहले ये सभी कार्य हमें करने हैं, तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सावन का महीना 4 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, दिन क्या है, मंगलवार, ठीक है, और 31 अगस्त तक है, दो महीने का सावन है, जो कि कई वीडियोज में डाल चुकी हूँ, समय बता रही हूँ, फिर भी इसमें भी बता दे रही हूँ। तो आपको जितना चाहे आप सोमवार व्रत कर सकते हैं, टोटल 8 पड़ रहा है, 4 मल मास में अधिक मास का और 4 जो है सावन का पड़ रहा है, तो आप इधर का 2 रख सकते हैं, मतलब सावन शुरू हो रहा है उस तब रख सकते हैं, और 2 आप जो है अधिक मास के बाद सावन वाला रख सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी, आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे वीडियो में सब कुछ समझा चुकी हूँ, डाल चुकी हूँ, इसमें बताऊंगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि आप लोग पूछेंगे दीदी किसी भी प्रकार का क्या व्रत नया उठा सकते हैं, तो जी मैं 2-3 वीडियो डाल चुकी हूँ, एकदम क्लियर बता चुकी हूँ कि आप किसी भी प्रकार के नया व्रत उठा सकते हैं, वो 16 सोमवार का व्रत हो या आप पहली बार सोमवार का व्रत, सावन सोमवार का व्रत उठाना चाहती हूँ फिर भी उठा सकते हैं, आप मंगला गौरी का व्रत उठाना चाहती हैं तो भी उठा सकती हैं, ये सभी व्रत सावन से पहले पड़ रहे हैं। प्रदोष व्रत भी अगर सावन से पहले जो भी व्रत पड़ेंगे आप उठा लीजिएगा, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। और कई ऐसे प्रश्न आप लोग पूछे हैं तो उसके लिए मैं वीडियो आगे डालूंगी। इस वीडियो में केवल जानेंगे कि सावन से पहले हमें कौन कौन सी तैयारी कर लेनी है। सावन से पहले आपको ग्रीन साड़ी हो, हरे रंग की साड़ी, क्योंकि सावन का महीना कितना पावन और पवित्र महीना है, शिव जी का प्रिय महीना है, और हरे चीजों से शिव जी को हमें प्रसन्न करनी है। आपको मालूम ही है भोलेनाथ ऐसे भगवान है ना, उनके शरण में जो भी जाता है खाली हाथ नहीं आता, और उनको मतलब भोले बाबा है, उनको प्रसन्न करना बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी है। तो जो भी चीजें भगवान को बहुत अधिक प्रिय है, वो सभी चीजें हमें श्रद्धा के साथ करनी है और पूजनी है, चढ़ानी है, पूजा विधि करनी है, ठीक है। तो आप सावन से पहले लड़कियां हो, हरा सूट हो, चुनरी प्रिंट सूट हो, बांधनी सूट हो, या जो भी हो, महिलाएं हो, हरी साड़ियां हो, चुनरी हो, या जो भी हो, आप लोग पहले ही उसका प्लानिंग कर लीजिए, खरीद लीजिए, ठीक है। सावन के दिन से 2 पेयर भी रहेगा ना आपके पास, अगर केवल 2 ही रखते हैं तो भी आप पूरे सावन ग्रीन ही पहनिए या चुनरी ही पहनने की कोशिश करें, कोई और भी कलर का रंग का आप लोग रखे हैं तो वो आप लोग पहनिएगा, ठीक है। तो हरे साड़ी कपड़ा की तैयारी कर लीजिए, सूट वगैरह सिला लीजिए जिनको सिलवाना है, या कुर्तीज वगैरह खरीदना आप लोग खरीद लीजिए, क्योंकि शिव जी को हरी चीजें बहुत अधिक पसंद है। आपको मालूम ही है कि पूरा दुनिया मुझे लग रहा हरियाली से चारों तरफ हरा भरा दिखाई देता है, सावन के महीने में झमाझम बारिश होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये सभी तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। अगली चीज क्या है कि जो सुहागन महिलाएं हैं वो 1 पैकेट सिंदूर खरीद कर रख लीजिएगा,
एक बहन मेरी बोली है कि दीदी हमारी सास कहती है कि सिंदूरा में हमें सिंदूर रखनी चाहिए सावन में शिव जी को चढ़ाकर, ठीक है, तो सही बोली है, सावन के महीने में माता पार्वती को, शिव जी को नहीं माता पार्वती को चढ़ाकर और वही सिंदूर हम अपने सिंदूरा में भरते हैं, सिंदूरा सिंहोरा जो भी आप लोग बोलते हैं, और भरा जाता है। तो आप लोग एक पैकेट सिंदूर भी खरीद कर रख लीजिएगा हर चीजों के साथ। अगली चीज क्या है कि चूड़ी मेहंदी वगैरह खरीद लीजिएगा हरा, जो कि सावन से पहले ही खरीद लीजिएगा। लहठी आप लोग पूछे कि ले सकते हैं, तो जी बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन किसी बहन ने मेरे कहा है कि दीदी मंगलवार पड़ रहा है तो हम लहठी किस दिन पहनेंगे, क्योंकि पहला जिस दिन सावन का महीना शुरू हो रहा है 4 तारीख को शुरू हो रहा है 4 जुलाई को, और पहला सावन सोमवार व्रत कब है 10 जुलाई को, दूसरा है 17 जुलाई को, ऐसे मैं कैलेंडर ऊपर लगा दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप क्या कीजिएगा, मंगलवार पड़ रहा है तो आप क्या कीजिएगा कि आप एक दिन पहले ही सोमवार के दिन ही या उससे भी पहले कोई शुभ दिन पड़ रहा है गुरुवार शुक्रवार, तो आप हरी चीजें अपने लिए खरीद लीजिए, और खरीद कर जैसे सुहाग से संबंधित चीजें बिंदी हो चूड़ी हो लिपस्टिक हो या जो भी हो सावन में आप चढ़ाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं, खुद पहनकर पूजा करने चाहती हैं, पहले दिन जाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, बहुत लोग सावन शुरुआत तो मतलब शुरू होते ही हरी चूड़ियां पहन लेते हैं, तो आप पहले से ही उसको आप जो है एक बार पहन लीजिएगा कि उसका कोरा का नियम मिट जाएगा, ठीक है, क्योंकि मंगलवार है और सावन के दिन से ही पहननी है, तो आप पहले भी पहन सकते हैं लेकिन सावन में पहने तो ज्यादा बेहतर है। तो आप शुक्रवार को सोमवार को जो वार पहले ही पड़ते हैं सुहाग की चीजें जिस दिन हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं उस दिन निकाल सकते हैं, तो आप उसी दिन पहनकर रख दीजिएगा, तो कोरा का नियम मिट जाएगा, तब आप मंगलवार को मतलब सावन के दिन 4 तारीख को पहन सकते हैं। क्लियर हो गया? आप लोग पूछे हैं कि दीदी हम कैसे क्या करें, और मेहंदी है तो मेहंदी का कोई नियम नहीं है, मेहंदी आप जो पहले खरीद लीजिए या पूरे सावन के बीच में आप कभी भी मेहंदी लगा सकते हैं, पूरे सावन महीने के बीच में आप किसी भी दिन मेहंदी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आज ही शुरुआत हुआ तो आज ही हम लगा लें, और किसी दिन आप लगाए ना लगाए व्रत के दिन अगर लगाते हैं पूजा करने जाते हैं भगवान की 16 श्रृंगार करके हमें पूजा पाठ करनी है, तो जो भी चीजें सावन से संबंधित हरी चीजें आपको बाजार में दिखती हैं अपने मेकअप से संबंधित सुहाग से संबंधित चीजें वो सभी चीजें आप लोग खरीद कर ला सकती हैं। और देखिए एक चीज और बता दूं, ऐसा नहीं कि ये चीजें सभी को फॉलो करनी है, करनी तो सभी को चाहिए लेकिन अपनी जो आपका क्षमता है ना उसके हिसाब से कीजिएगा, ऐसा नहीं कि राशन खरीदने का देखिए पैसा नहीं है और दीदी बोल दी है कि चूड़ी खरीदना है साड़ी खरीदनी है ये सभी चीजें खरीदनी है तो हम उसी में पैसा को लगा दिए, जी नहीं, उसके लिए नहीं बोल रही हूँ। आपके पास जो है, मान लीजिए जिनके पास पैसे रुपए की कमी है, अगर नहीं है किसी प्रकार से आप मंथली चला रही है तो आपको कोई भी चीज नहीं खरीदनी है, आप जो आपके पास है वही पहनकर भगवान को प्रसन्न कीजिएगा, लेकिन भगवान ने उस प्रकार से हर चीज आपको दिया है तो आप हरे चीजों की खरीदारी कर सकते हैं सावन से पहले, वो लड़कियां हो या वो महिलाएं हो। क्लियर हो गया? ये चीज क्या जान लेते हैं कि हमें आप लोग पूछे कि दीदी मन्नत कैसे मांगनी है और सावन से पहले मांगनी है, तो देखिए जितनी भी लड़कियां हैं जो देखिए शिव जी ना किसी भी संकट के किसी भी प्रकार का संकट आपके ऊपर चल रहा है, विवाह से संबंधित पति से संबंधित या घर में किसी भी प्रकार की चीजों से मतलब कोई भी ऐसी परेशानी आपके ऊपर आ चुकी है जो आप बहुत परेशान है, तो जो भी पुरोहित है पंडित है ब्राह्मण है हमें यही राय सलाह देते हैं कि शिव जी की पूजा कीजिए, महामृत्युंजय मतलब महामृत्युंजय का अपने घर में अनुष्ठान कीजिए, आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़िए, आप शिव जी के शरण में जाइए, हर बाधा और कष्ट का निवारण कहाँ है शिव जी के पास ही, और भोले बाबा जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं हमारे शंभुनाथ आप लोगों को मालूम ही है तो उनका तो मतलब अब कहना ही नहीं है। तो जो लड़कियां अगर मान लीजिए मनचाहा वर नहीं मिल रहा घर नहीं मिल रहा आप बहुत परेशान है या जो महिलाएं पति के किसी बात को लेकर बहुत परेशान है तो आप क्या कीजिएगा कि सावन से पहले अपने मन में किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है अपने मन में आप जैसे ना मन्नत कीजिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और उसमें भी दिल से कीजिए ऐसे ऊपर ऊपर हवा में नहीं और विश्वास बहुत बड़ी चीज है ऐसा नहीं कि हम विश्वास नहीं भाई ऐसे तो कुछ होता नहीं है ऐसे ही कौन करने जाए कहाँ भगवान लोग सुनता है ये सभी चीजें मन में सोचकर नहीं करनी है बड़ा ही लगन और श्रद्धा के साथ भगवान से मानसिक मतलब मन में ही आपको प्रार्थना करनी है कि हे भगवान जी
हमारी ये मनोकामना अगर पूर्ण हो जाएगी तो सावन अभी आने ही वाला है, 10 तारीख को पहला व्रत है, तो जितने व्रत का आप संकल्प लेना चाहती है, मन्नत करना चाहती है, पूरे करेंगी, या 2-3 साल हम सावन का व्रत करेंगे, या हम 4 ही व्रत जरूर रखेंगे, या पूरे सावन जो है हम आपका जल चढ़ाने प्रतिदिन आएंगे जितना दिन सावन रहेगा, तो आप कैसा मन्नत करना चाहती वैसे अपने मन में प्रार्थना कर लीजिएगा कि हमारी इस प्रकार की हमारी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए, मनचाह वर दीजिए, या हमारे विवाह जल्द से जल्द शीघ्र अति शीघ्र करवाइए, या हमारे पति को ये दुख है, ये बीमारी, हमारे घर में ये अशांति है, इससे हमें बाहर निकालिए, ये सभी चीजें कहकर आप मन में जैसे कहकर भगवान से प्रार्थना जरूर कर लीजिए सावन से पहले। और अगर आपका पूर्ण हो जाता है तो जो चीज मन में आप प्रार्थना किए हैं, मन्नत किए हैं, वो चीज आपको पूरा करना पड़ेगा, भूलिएगा मत, भूलिएगा तो फिर भगवान लोगों को कष्ट देने में भी देर नहीं लगती। तो इसे याद रखने का कि जहां आप मन्नत करते हैं अगर भूल जाते हैं, आज के लिए ही नहीं बता रही हूँ, सावन के लिए नहीं, किसी भी देवी देवता मंदिर तीर्थ स्थल पे अगर आप किसी प्रकार का मन्नत करते हैं तो डायरी में लिख कर कॉपी में रख लीजिए, नहीं तो कभी कभी हमारे ध्यान से निकल जाता है और हम भूल जाते हैं। कई ऐसी मेरी बहनें कहती है कि दीदी माता रानी का सपना आ रहा है, भगवान का सपना आ रहा है। स्वप्न क्यों आता है? क्योंकि हम मन्नत करके फिर हम भूल जाते हैं, वो मन्नत उतारते नहीं है, मतलब किसी को आशा लगाइएगा और फिर उस आशा को पूरा नहीं कीजिएगा, निराशा उनके हाथ लगेगी तो गुस्सा तो करेंगे ही, तो इसलिए लिख कर रख लीजिए और याद रखिएगा कि आपने क्या मन्नत किया था। सारी बातें क्लियर हो गई तो सावन से पहले यही सब कार्य आपको कर लेनी है। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।